सरकमफेरेंस 2 पाई आर इसके बराबर होगा 2 पाई इंटू 3 बाई पाई, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया 6 मीटर की सरकमफेरेंस है। इसकी स्क्रीन बार बार बंद हो गई है। ठीक है, तो पहले इसकी डिस्टेंस निकाल ली, कितने मीटर आ रही है, 6 मीटर आ रही है, तो 2 सेकंड में कहां पहुंचेगा, ये 6 मीटर है तो ये 1.5 मीटर है, तो यहां कहीं होगा। तो अब आपको मेनली ये पोजीशन निकालनी थी, 2 सेकंड बाद वो कहां पहुंचेगा। अब आपको पता ही है यहां से यहां तक कितनी दूरी हो जाएगी, ये दूरी अगर पूरी 6 मीटर है तो ये 1.5 मीटर है और ये 0.5 मीटर है, कितना एंगल होगा, निकल नहीं जाएगा। 1.5 के लिए पाई बाई टू, तो इसके लिए कितना एंगल होगा, ये 0.5 के लिए पाई बाई सिक्स, तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया। बस ये एंगल निकालना ही मेन गेम था, बाकी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना एंगल हो गया, अब ये पोजीशन और ये पोजीशन, इस पोजीशन पे V1 इस पोजीशन पे V2 दोनों बीच का एंगल 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ये निकालना सिखाया था ना मैंने जनरल एंगल के लिए, क्यों इसका फॉर्मूला बताया था ना। तो अब मुद्दा यही था कि कुल मिला के ये पोजीशन निकाली जाए, ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 प्लस 30 120 डिग्री, क्लियर हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, कि किसका क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6 यस सर, हो जाएगा। अब यस सर, भाई पहले देखो आर निकाला, आर के बाद पूरा सर्कमफेरेंस निकाला, कितने मीटर का आ गया 6 मीटर का, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 मीटर। अब देखो ऐसे भी समझ लो 6 मीटर की सरकमफेरेंस के लिए 360 डिग्री एंगल है, तो 2 मीटर के लिए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, कितना एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, तो अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक में कितना एंगल घूम चुका है वो 120 डिग्री, और इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज बात बता रखी है, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आती है, निकलवाई थी ना डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट, कितना आता है 2R sin थीटा बाई 2, ये अगर आ रहे ये आ रहे तो ये कितना आ जाएगा √3R आ जाएगा, और वेलोसिटी निकालनी है V2 माइनस V1, डेल्टा V दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, और ए एवरेज की वैल्यू क्या आती है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और वी एवरेज की वैल्यू क्या आती है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर भी निकल गया डेल्टा वी भी निकल गया, टाइम दे ही रखा है 2 सेकेंड। ठीक है देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट निकाला, चेंज इन वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉल्व कर लेना आ जाएगा भाई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये सर पार्टिकल इन, एक्चुअली यही पूछना था कि एम का मतलब क्या होता एम का मतलब मास होता है, और क्या है, नहीं इन पार्टिकल के मीटर, कोऑर्डिनेट्स में भी एम लिखा हुआ है उनका मतलब। मीटर ओके सर, बस इतना ही, बस ये पूछना था। यस सर। चलो आ जाओ 15 पे आ जाओ, 15 के पहले कोई क्वेश्चन नंबर 15, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, द डिस्प्लेसमेंट मेजर्स फ्रॉम ए कन्वीनियंट पॉइंट पोजिशन 2 मीटर इज 2 मीटर एट टाइम टी इक्वल टू 0 एंड इज 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अच्छा, इसका कहने का मतलब है यहां से नापा जा रहा है ये 2 मीटर है, ठीक, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मोमेंटली 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 6 सेकंड, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ए एंड द वेलोसिटी वी अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
ये कुछ ये क्वेश्चन है। t इज इक्वल टू 10 पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 6 पे यहाँ है, ये दूरी 2 मीटर है स्टार्टिंग यहाँ से, ठीक। ये कुल मिला के लैंग्वेज में ये बता रहा है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे मोमेंटरली स्टॉप हो रहा है और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में यहाँ पर वापस 2 मीटर पे है। The particle move along the acceleration displacement measured from this the velocity of the particle is momentarily zero when t is equal to zero. The displacement and if the velocity of the particle is initially momentarily zero when t is equal to 6 seconds. Determine the acceleration a and the velocity b at time t is equal to 10. कुल मिलाकर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। दो मीटर दे रखा है, ठीक है। t इक्वल टू 10 पुट कर लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लोगे? u मान लोगे, ठीक। इक्वेशन बनाए, इसका एक्सेलरेशन कितना मान लोगे? नेगेटिव में ही आएगा, a मान लिया फिलहाल। तो पहले इस पोजीशन के लिए 0 इज इक्वल टू u प्लस 6 a, u प्लस 80 टाइम 6 है, तो u बराबर हो गया माइनस 6 a, पहली इक्वेशन। दूसरी t इक्वल टू 10 पे पुट कर लिया, u इनटू 10 प्लस हाफ ऑफ a इनटू 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? माइनस 2 मीटर। ये पॉजिटिव है तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? माइनस 2। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व कर लिया, u और a की वैल्यू निकाल ली। समझ में आई बात? पहले इस जगह पे वेलोसिटी जीरो कंडीशन को लगा दिया, v बराबर u प्लस 80, u की वैल्यू u है, a की वैल्यू a है, टाइम की वैल्यू 6 है, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दे रखा है, तो r बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद फॉर्मूले से वैल्यू निकाल ली, गॉट इट? पुट कर लिया और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, डन। u और a की वैल्यू आते ही सब कुछ निकल गया, जो पूछ रहा है वो निकाल लो। क्या पूछ रहा है इस समय? t इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी, वो कैलकुलेट करेंगे, निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19। A particle starts from origin at t is equal to 0 with a velocity of 80 j meter per second and moving in the xy plane with a constant acceleration 4i plus 2 j at the instant particle's x coordinate is 29 meter. What are its speed ठीक है, origin से start करता है। कितनी अच्छी बात कहता है, देखो सब कुछ दे रखा है, यू वाई की वैल्यू दे रखी है उसने 8, यू एक्स की वैल्यू है 0, ए एक्स की वैल्यू उसने दे रखी है 4, ए वाई की वैल्यू उसने दे रखी है 2 और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसने दे रखी है 29। दो इक्वेशन बन गई, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ux 0 है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 29 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ax, ax की वैल्यू 4 है इनटू t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 29, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 58, तो t बराबर अंडर रूट 58। अब इस कोऑर्डिनेट पे उसकी क्या पूछ रहा है? y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू 8 इंटू रूट 58 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू रूट 58 का। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे। सर वो 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 29 है, तो फिर वो रूट 58 कैसे आ गया? हाँ भाई, क्या बताऊँ, 229/8 कर लो ना, 29/8 बड़ी बहुत होती है, 14.5, ठीक है, रूट 14.5, रूट 14.5, अब वैल्यू पुट कर लो अपनी, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के उसने एक्स वाई कोऑर्डिनेट को अलग अलग ले लिया, अब दे रखा है उसने यू एक्स एक्स यू वाई ए वाई और एक्स की वैल्यू, अब अलग अलग इक्वेशन लगा के सॉल्व करके पहले टाइम निकाल लिया, अब टाइम को पुट करके वाई में वैल्यू पुट कर लो। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने, तो स्पीड निकलोगी तो क्या निकलेगी? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी,
पुट करके आंसर निकालो, इन्होंने जानबूझ के रूट रूट में दे रखा है, गड़बड़ किया है, सिंपल देना चाहिए था, इन्होंने जानबूझ के रूट में कैलकुलेट कराया, लंबा चौड़ा काम कराया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसके पहले भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। 38 कहाँ है भाई, 38, एन ऑटोमोबाइल एंड ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द सेम इंस्टेंट with the automobile initially at some distance behind the truck. The truck has a constant acceleration of 2.2 meter per second square and the automobile has an acceleration of 3.5 meter per second. The automobile overtakes the truck when a truck has moved 60 meters. Dono rest se start kar rahe hain. Theek hai? Iska hai 2.2, iska hai 3.5. इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस डिस्टेंस दे रखी है, एस बताया नहीं है, कहता है दोनों रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, यू बराबर जीरो, यू बराबर जीरो, कब इसको ओवरटेक कर लेगा, जब ट्रक चल जा रहा है कितने डिस्टेंस 60 मीटर, सब तो बता दिया इसने, अब इसने क्या पूछा है, द ऑटोमोबाइल ओवरटेक द ट्रक व्हेन इट ट्रक हैज मूव्ड 60 मीटर, बस ठीक है, ये 60 मीटर चलेगा कितना टाइम लगेगा निकाल लेते हैं ट्रक के लिए, 60 इज इक्वल टू यू टी जीरो प्लस हाफ ऑफ 2.2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर फिर वही आ गया लंबा थोड़ा 60 बाई 1.1, ठीक है कितना आएगा लगभग ये 1.169, चलो जो भी है टी स्क्वायर की वैल्यू 60 अपॉन 1.1 आ गई, एस की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम इट डस ऑटोमोबाइल टू ओवरटेक, तो टाइम निकल गया, हाउ फार वाज द ऑटोमोबाइल बिहाइंड द ट्रक इनिशियली, एस निकालना है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एस प्लस 60, जीरो प्लस हाफ ऑफ 3.5 से इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो एस निकल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, इस समय पे दोनों की स्पीड पूछ रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2.2t और इसकी स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल टू 3.5t, u प्लस 80 वाले कंडीशन से, ठीक है तो दोनों की स्पीड पूछ रहा है वो बता दिए, तो इन्होंने कंडीशन अपने आप बता दी, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, इसका एक्सेलरेशन 3.5 था, इसका एक्सेलरेशन 2.2 था, इसने 60 मीटर ट्रेवल किया तो इसके लिए तुमने टाइम निकाल लिया, r बराबर ut प्लस r बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, u की वैल्यू जीरो थी दोनों के लिए तो 60 इज इक्वल टू दिस, तो टाइम निकल गया, अब टाइम निकल गया तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, s प्लस 60 डिस्टेंस ट्रेवल की, s प्लस 60 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, s निकल जाएगा यहां से, जब s निकल गया अब पूछ रहा है स्पीड बताओ इस समय पे, तो इस टाइम पे इसकी स्पीड 2.2t, इसकी स्पीड 3.5t, पुट किया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, VBR इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 2 मीटर और 2 मीटर इन द बोट शोन, बोट मैन वांट्स टू रीच पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट व्हाट एंगल ही शुड रो दिस बोट, कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए, घुमा के पूछ लिया कहाँ जा रहा है वो सब बता रहा है, लॉजिक का गेम है ये, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये इधर ट्रेवल करना चाहता है पहुंचता है यहाँ, अब ये एंगल दे रखता है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, ये मैंने vm ले रखा है, ये vr है, ये 2 है, ये 4 है, और मुझे ये एंगल थीटा बताना है, ठीक ये 45 है, तो अब मुझे जरा बताओ सभी लोग, फिगर से ये निकल नहीं जाएगा, ये 45 है तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, तो अब यहां से मैं सेम कर लेता हूं, 4 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, ठीक तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से, ट्रिग्नोमेट्री चल रही होगी, साइन थीटा चल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन बनाइए सॉल्व कीजिए आंसर निकालिए,
थीटा निकल जाएगा। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा ना। 4 साइन थीटा, देखो ना क्या बोल रहा है, 45 डिग्री मतलब ये बेस और ये हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका बेस क्या बन गया, ये तो बन गया वीएम कॉस थीटा, वीएम कॉस यानी 4 कॉस थीटा, और ये कितना होगा 4 साइन थीटा। ये है 4 कॉस थीटा, ये है 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए पहले एक्सरसाइज में कोई और प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्टिव लेवल 1 पे आते हैं। कहां गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 पे क्वेश्चन बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेवल 1 शुरू कीजिए भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर जो नहीं आ रहे हैं, सब नोट करके रखिए, आ कीजिए जिससे फटाफट बस बोलते चले जाइए, मैं उस क्वेश्चन को नोट करता रहूं। अपने किसी दूसरे मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड किए रहिए, कहीं और डाउनलोड कीजिए, कंप्यूटर पे देखिए, क्वेश्चन को अपने पास कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देव बोल रहा है, 5 के अलावा 29 और 33 अपने अपने क्वेश्चन बोल दीजिए भाई जल्दी जल्दी, बहुत स्लो है यार तुम लोग। 34 आज तो ठीक है, लेकिन आज के बाद जो भी डाउट लूंगा उसमें सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर एक बुक से लिया जा रहा है तो। क्वेश्चन नंबर इसीलिए एक बुक ली जाती है कि सबके डाउट एक साथ कवर हो, इंडिविजुअली नहीं कि सब लोग व्हाट्सएप करते रहो मेरे को, मैं व्हाट्सएप पे अब नहीं बताऊंगा, व्हाट्सएप पे जो एक्सरसाइज वाले डाउट जाएंगे वो बता दूंगा, उसके अलावा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा जो दूसरे चैप्टरों से या कहीं और से होंगे, किसी और बुक से होंगे। कोई और क्वेश्चन? बस 5, 29, 33 तीन क्वेश्चन। इसका मतलब मैं मान लू सबके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ये वाले। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, द वॉटर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब v, द वॉटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी -3i - 4j विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, the relative velocity of the boat with respect to the water is, क्या रखा है, v is equal to v boat plus v river, v river दिया है, v दिया resultant velocity, with respect to ground का मतलब है उसकी resultant velocity, तो with respect to ground दे रखी है boat की velocity, with respect to river दे रखी है उसकी velocity, तो velocity of boat with respect to river पूछ रहा है, निकल जाएगा ना v minus vr, क्या आ जाएगी value, 3 - 3 = 6, 4 - 4 = 8, तो 6i + 8j क्या है, नहीं दे रखा, the relative velocity of the boat with respect to the water is, सर वो ऑप्शन सी मिसप्रिंट है, आंसर की में सही बताया हुआ, कोई नहीं, v - vr होगा, ठीक है ना, 6i + 8j आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आ गया, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रीचेस द मैक्सिमम हाइट h इन टाइम t, द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t विल बी, क्या रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा है, एक बॉल के ऊपर फेंका गया, यहां पहुंचने में समय कितना लगा, t/2, अच्छा क्या हाइट इन टाइम टी, अच्छा टी है ये, टी है, तो यहाँ पर मान लो कोई टाइम टी है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ ऑफ जी टी माइनस टी का स्क्वायर फ्री फॉल, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, एच इज इक्वल टू एच माइनस हाफ ऑफ जी टी माइनस टी का स्क्वायर, डन। Yes, sir. चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 33. ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एज बी इज इक्वल टू 1 प्लस 5 रूट 1 प्लस एस. देखो वेरिएबल आ गया 1 प्लस एस. तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एस. तो डी एस बाई रूट 1 प्लस एस इज इक्वल टू डी टी. क्या अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा? सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव. हियर v इज इन मीटर पर सेकेंड. ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व दिस. तो डी एस इज इक्वल टू डी एस वन अपॉन रूट 1 प्लस एस का हो जाएगा 1 बाई टू रूट 1 प्लस एस इज इक्वल टू टी. तो 1 प्लस एस इज इक्वल टू 4t स्क्वायर. तो एस इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 1. अब तो सब कुछ निकल जाएगा ना. यस सर. ऐसा आ गया तो जो पूछ रहा है वो निकाल के चेक कर लो. और किसी केस में ऑब्जेक्टिव लेवल 1 में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. सर इसी वाले को कंपैरिजन करके नहीं निकाल सकते? कंपैरिजन कैसे करोगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से. वो कब लगाते हो? ये मैच कर रहा है ना इसमें. तो वो कर रहा है लेकिन वो कब लगाते हो? कांस्टेंट एक्सीलरेशन में. इसको देख के समझ में आ रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में? बताओ मेरी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ ना, मेरे जवाब दो मुझे. नो सर. जब तुम्हारे पास डाउट की कंडीशन आए, जब तक वो बोलेगा नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तक वो इक्वेशन नहीं लगानी है. तब कौन सी इक्वेशन लगानी है? डिफरेंशिएशन वाली. ये क्या हुआ? बाबा हो गया. मेरी बात समझ में आई? तो जब तक वो गिवन कंडीशन ना दे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तक कंपेयर नहीं करना, तब तक जनरल मेथड चलना. मैंने जनरल मेथड खूब क्वेश्चन कराया ना तुम्हें, उन पे प्रैक्टिस करो. वो क्यों करने हैं? वो इसीलिए करने हैं कि आपको सीखने को मिले. हम हर जगह v बराबर u प्लस at चिपकाते रहे क्या? नहीं. जब तक एक्सेलरेशन के ग्राउंड में फेंका गया, हवा में फेंका गया, ये फेंका गया, तब तक तो a कांस्टेंट लेके g मान करके करते रहते हैं. लेकिन जहां उसने थोड़ी सी इक्वेशन इक्वेशन घुमा के दिया तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए क्या करना है इसमें. अब इसी जगह v इज इक्वल टू रूट 1 बाई रूट 1 प्लस s कर देता तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता. तब कांस्टेंट नहीं होता भाई, है ना? इसलिए जब ऐसी इक्वेशन दी हो तो डायरेक्ट नहीं अप्लाई करके कंपेयर करना. इसमें किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि एक्सेलरेशन 8 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन बदल जाती है तब ये कहानी गड़बड़ हो जाती है ना. यस सर. चलो और कोई क्वेश्चन बताओ भाई. वन में कोई और डाउट नहीं? यही कॉर्नर. यस उत्कर्ष, तुम्हारी आवाज ही बेटा कट रही है. क्या कहानी है? तुम टाइप करके भेजो. चलिए जेई कॉर्नर पे आ जाइए. अगर ऑब्जेक्टिव लेवल 1 पे कोई डाउट नहीं है तो जेई कॉर्नर पे आ जाइए, उसमें भी क्वेश्चन पूछिए. एसर्शन रीजन में कोई डाउट? 5th और 8th. क्वेश्चन नंबर 5th और 8th. 5th क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ ए पार्टिकल में डिक्रीज इवन इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. हाँ, घट सकती है अगर अपोजिट है तो. एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है फिर भी स्पीड डिक्रीज करे तो ना अपोजिट है. इतनी देर बाद टाइप करते तुम भी पता नहीं क्या. फिर से इसको रिपीट करके भेज दो. मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तब तक मेरा दिमाग क्वेश्चन तो रहेगा कि पॉइंट टाइपिंग पे रहेगा. स्पीड ऑफ ए पार्टिकल में डिक्रीज इवन इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. ठीक बात है. दिस विल हैपन इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. नहीं नहीं, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तभी ये पॉसिबल होगा. ठीक है. तो ऐसे भी तो हो सकता है कि v नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो. स्पीड पूछ रहा है. अब v नेगेटिव हो, स्पीड की बात कर रहा है. अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है स्पीड की डायरेक्शन में. ठीक है ना.
हम यहाँ कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ले ही नहीं रहे ना कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, लेकिन जब एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोला जाएगा इसका मतलब वो स्पीड अप कर रहा है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब स्पीड डाउन कर रहा है। ठीक, बात समझ में आई मेरी? ओके सर। है ना, वो कोई डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं, वो तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो कि सर अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ हो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो पॉजिटिव लेकर के, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमारा रेफरेंस है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोलता है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, स्पीड अप, उसी की डायरेक्शन में लग रहा है, क्या कर रहा है, स्पीड डाउन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ टू, हां क्या है, 8th वाला है, 9th नहीं है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट ए। हाँ ठीक है, स्लोप चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, साइन ऑफ स्लोप एस टी ग्राफ डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेकंड भी सही है, पहला वाला भी सही है सर, आंसर नहीं, आंसर दूसरा दिया हुआ है, लेकिन दोनों करेक्ट है। साइन ऑफ स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है, ठीक तो कह रहा है। क्या आंसर दे रहा है इसका? आंसर दिया हुआ कि पहला गलत है दूसरा सही है। सर मेरे हिसाब से तो दोनों गलत होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्शन तब तक नहीं बदलेगा, पहले तो वो डिस्टेंस कम करेगा और उसके बाद डायरेक्शन बदलेगा। तुम कहाँ दिमाग लगाए पड़े हो, डिस्टेंस कम करेगा ये कर रहे हो, स्लोप चेक करो बस, स्लोप चेक करना है। स्लोप चेक कर ली, लेकिन स्लोप तो दोनों केसेस में पॉजिटिव ही आ रही है ना। हाँ, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, ये प्लस मुझे लगा नेगेटिव हो गया है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। ठीक है, पहले केस में भी स्लोप पॉजिटिव है, दूसरे केस में स्लोप पॉजिटिव है। पहले केस में वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इंक्रीज हो रही है, फिर घटते घटते जीरो हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, पहला गलत है। एक मिनट फिर से दोबारा देखने को, हाँ पॉइंट क्लियर नहीं था, ये स्लोप पॉजिटिव ही बना हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, जब इन्फिनिटी तक पहुंचा तब उसके बाद स्लोप की वैल्यू घटने जीरो शुरू हुई, ठीक है ना। हाँ सही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, सही कह रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट ए, नहीं साइन ऑफ, ये तो सही है, ये गलत है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, घट रही है बढ़ रही है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जीरो से इंक्रीज करके मैक्सिमम तक पहुंचती है, फिर मैक्सिमम से घट के जीरो तक पहुंचती है, उसका डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसका मतलब है स्लोप से, ठीक है। चलो एसर्शन रीजन के बाद आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 2 पे, बाकी लोग बैठे हुए कुछ पूछ ही नहीं रहे, क्या मतलब 1D वाले में कुछ पूछना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 2, लेवल 1 में और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 2 में क्वेश्चन पूछिए भाई। 14 और 14 1414, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आदित्य बता रहा है, 11 और बताइए जल्दी जल्दी, 14 11, और कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन में टर्मिनल स्पीड क्या होती है? बताता हूँ, टर्मिनल मतलब मैक्सिमम स्पीड, 4 10 7, 4 7 10, और बताओ इसके अलावा, 2 4 7 10 11 14 6 7 8 6 8, ठीक है, और 2 4 6 7 8 13 13, अंजलि 15, अंश 16, 2 4 7 2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16, और कोई? बस
इसके बाद तो पैसेजेस हैं, पैसेजेस भी बता दूंगा करेक्ट भी हैं, ये भी हैं। चलो उसके पहले 23 तक में कोई और पांचवा भी है, ये नहीं अपनी मर्जी से कोई भी है कहते सर अक्का बक्का बम्बे वो 80-90 पूरा चौथा बता दिया था। चलिए हटाइए, फालतू में क्वेश्चन मत पूछिएगा, ये नहीं कि अपने आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे हुए हैं, पीछे पापा खड़े हुए हैं, तो एक काम करते हैं चलो हम भी कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। जो जिसने भी अपने अपने क्वेश्चन पूछे याद रखिएगा, मैं पूछ सकता हूँ बीच में तुमने क्या किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूल के भी कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मम्मी खड़ी है पीछे, लग रहा है मैं नहीं पूछूंगा तो डांट पड़ जाएगी। तो एक काम करता हूँ सर, 12 बताइए, 12 तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था पहले, पहले 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन एज बॉडी इज गिवन बाय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब घुमाने वाले क्वेश्चन आ गया, देखिए लेवल 2 मतलब अच्छे क्वेश्चन। और देखिए डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू -4v + 8, अभी कैसे होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0, एट टी इज इक्वल टू 0 वी इज इक्वल टू 0, क्या करना है इसमें अब बताओ, डीवी अपॉन 8 - 4v इज इक्वल टू डीटी, या इसको 4 इधर लेके चले जाओ, डीवी अपॉन या सीधे लिख लो v - 2 इज इक्वल टू -4dt। इंटीग्रेशन तो करना आता ही है, 1/v माइनस क्या हो जाएगा ln v - 2 लिमिट 0 से v इज इक्वल टू -4t, ln v - 2 तो पहले 0 के -2 बराबर -4t। तो 1 - v/2 इज इक्वल टू e^-4t। तो v/2 इज इक्वल टू, या v पूरा वैल्यू बना दिया 2 1 - e^-4t, ये फंक्शन बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो पूछ रहा है निकाल लो, इनिशियल वेलोसिटी दैट इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अब इसको सॉल्व करना है, v मिल गया, a निकालो, a बराबर dv/dt और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन dA/dt, डिफरेंशिएट करना सिखाया था मैंने, कर लेंगे इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट हो गया, -4, 8 e^-4t, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो -32 e^-4t। अब वैल्यू पुट करो तो टाइम t = 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 8 m/s², गलत है, द टर्मिनल स्पीड इज 2 m, टर्मिनल स्पीड मतलब इन्फिनिटी टाइम पे ये 0 हो जाएगा, टर्मिनल स्पीड बिकम 2, सही है, टर्मिनल स्पीड इज बिकम 2, टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये वैल्यू 0 और टर्मिनल स्पीड आ जाएगी 2। बोथ a एंड b करेक्ट, बोथ a एंड b आर रॉन्ग, नहीं a करेक्ट है बस, सॉरी b करेक्ट है, इसको सॉल्व कर लो, सही आ रहा है कि नहीं, और कर लिया 2t 4v + 8, नहीं ठीक है 32 आएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन -32 e^, एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 आएगी लेकिन ये -32 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज v0, विड्थ ऑफ द रिवर इज d, ए स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू द करंट विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2t, अच्छा एक्सेलरेशन भी दे दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन o at t equal to 0, the equation of trajectory of the path followed by the swimmer is, अब इसके पास दो वेलोसिटी आ जाएंगे, मेरे पास दो वेलोसिटी हैं, एक तो है v0 और इधर है acceleration बराबर 2t, equation of trajectory नहीं निकाल लेंगे हम, x बराबर v0t और y बराबर half of टू टी दे रखा है ना टाइम,
ठीक है, x तो सिंपल है, y v इज इक्वल टू t स्क्वायर और r बराबर y इज इक्वल टू t क्यूब बाय 3। ध्यान दो, x बराबर v नॉट t और y बराबर t क्यूब बाय 3। क्यों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, a बराबर 2t तो v बराबर t स्क्वायर और y बराबर t क्यूब बाय 3। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, वेलोसिटी जीरो रखी है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पुट कर दो, y बराबर x बाय v नॉट का होल क्यूब बाय 3। आंसर क्या आएगा? 1/3। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट। मेरे ख्याल से ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। क्यों ऐसा ही क्वेश्चन? क्यों बच्चों, किसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5? लक्ष्य, लक्ष्य ने पूछा है। किसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5? किसने पूछा है? बेटे ये काइनेमेटिक्स पहला चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर नहीं, प्रोजेक्टाइल इज सेकंड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। कहां कहां लोग सोए हुए हैं, नाम लिखने में इतनी डिजाइन है और वैसे समझने के लिए किताब खोल के समझ नहीं पा रहे कहां क्या है। हद हो गई है, ऐसे ऐसे नमूने पड़े हुए हैं, बताओ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है, डिजाइन बनाने में ध्यान है। यस जैन, नाम में देखो कितनी डिजाइन बना रखी है। पता है कि दो चैप्टर, मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम। चलो देखो, ये क्वेश्चन अगर दे रखा है टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डी टी बाई डी एक्स निकाल लो, कितना आ गया? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बस कहानी खत्म। वी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। डी वी बाई डी टी करो, सॉल्व करो। ए की वैल्यू डी वी बाई डी टी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के साथ 2 अल्फा इंटू dx/dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लिया तो माइनस 2 अल्फा v/2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये v है ऊपर ले जाएंगे तो v बन जाएगा 2 अल्फा q - 2 अल्फा v³। आंसर इज -2 अल्फा v³। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंशिएट किया मैंने, कुछ नहीं किया, पहले dt by dx से v निकाला, v को डिफरेंशिएट कर दिया नॉर्मल मेथड से, सॉल्व करता गया -2 अल्फा v³ बन गया सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 6। ए स्ट्रीट कार मूव्स, एक मिनट बच्चों जरा, क्वेश्चन आप देखो कि कार मूव्स रेक्टिलिनियरली फ्रॉम स्टेशन ए टू द नेक्स्ट स्टेशन बी विद एक्सेलरेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्सेलरेशन। एफ की वैल्यू ए माइनस बी एक्स दे रखी है, एफ क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन ए नहीं लिया। तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी ए माइनस बी एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट थोड़ी करते हैं, बी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं ना, ए माइनस बी एक्स। अब पूछ क्या रहा है? The distance between the two stations and the maximum velocity is r. X की वैल्यू मतलब जहां पर वो रुक रहा है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है थोड़ी देर बाद। पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, एक जगह वेलोसिटी जीरो, तो वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। वी डी वी इक्वल टू ए माइनस बी एक्स बी एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से भी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई
अब देखो उसकी वेलोसिटी पहले रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और फाइनली भी रेस्ट पे आ जा रहा है, तो x बराबर जीरो पे भी रेस्ट पे और x बराबर s पे भी रेस्ट पे या x पे ही रेस्ट पे, ये वैल्यू जीरो रख दो, जीरो पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2a by b। अब Vmax बताओ, Vmax कहां पर होगा, Vmax की वैल्यू एक्सेलरेशन जब तक पॉजिटिव है, कहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव, किस पोजीशन तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू a माइनस bx है, जब तक x की वैल्यू a by b से छोटी है तब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। तो मैक्सिमम वी मैक्स, ये दिमाग लगाना था बस, वी मैक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी पे, एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी पुट कर दो तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए इंटू ए बाई बी माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर बाई टू बी, टू टू कट गया, वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर बाई बी, बी मैक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए बाई रूट बी, ए बाई रूट बी, टू ए बाई बी फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगा था, ठीक है ना, एक्सेलरेशन दे रखा था, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी की वैल्यू यहां से मिल गई। अब ये क्या कहता है, कहता है कि डिस्टेंस कितनी है, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था जब तक उसकी वेलोसिटी, कब तक, एक्स बराबर ए बाई बी तक तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, पूछता है मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, ये जब जाके फाइनली रुक जाएगा, स्ट्रीट के बीच में घूम रहा है तो जहां रुकेगा वही वेलोसिटी होगी उसकी, तो जहां वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया एक्स बराबर, तो डिस्टेंस मिल गई, यहां पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब मैक्सिमम कब होगी वेलोसिटी, जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, स्पीड बढ़ रही है, उसके बाद उसकी स्पीड घटती रहेगी, तो सेम कंडीशन वो उठाया उसने और उसने बोला कि भाई अब वेलोसिटी की वैल्यू घटती चली, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद एट्थ, सिक्स हो गया, सेवेंथ भी, हाँ सेवेंथ भी है। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए पॉजिटिव एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन गिवन बाय दिस, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस k बाय m x स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू a, v बराबर जीरो एट x इज इक्वल टू a, द स्पीड इट विल अटेन व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन v dv by dx, फिर वही क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर dx, जब ये a था तब ये जीरो था, जब ये x हुआ तो ये स्पीड v हो गई, जीरो पे पूछ रहा है ना तो जीरो पे निकाल लो, डायरेक्ट निकाल, निकालना ही तो है सॉल्व करना, अदरवाइज जनरल फंक्शन बना लेते, तो v स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस k बाय m x स्क्वायर या x क्यूब बाय थ्री, ये से जीरो पुट कर दिया, आंसर आ गया k बाय m a क्यूब बाय थ्री, v इज इक्वल टू टू k a क्यूब बाय थ्री m, ठीक है, पी तो आई नहीं था, ठीक कहाँ से आ गया, ठीक कहाँ चला गया भाई, सर आंसर नन ऑफ दीज ही है, आंसर नन ऑफ दीज है, यस सर, ये आएगा बेटा भी, ठीक है ना, ये दे रखा है, मतलब ये सब पूरे सारा गेम फंक्शन वाला ही चल रहा है तब से, हम इसी में मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा सबसे कॉम्प्लेक्स चीज यही होती है फंक्शन वाले, मैं देख रहा हूँ सभी लोग फंक्शन में फंस रहे हैं, इस पर प्रैक्टिस करनी, सेवन के बाद एट, फिर देखो फंक्शन आ गया, ये फंक्शन तो आसान है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट वी एक्स बराबर दिस एंड वी वाई बराबर 40, वी एक्स है 4 प्लस 40 और वी वाई है 40, अच्छी बात है, तो अब मुझे बताओ क्या इसमें दिक्कत आ रही भाई, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू 4, ए वाई इज इक्वल टू भी 4,
If the initial position of the particle is 1,2, then the equation of the trajectory of x y निकालने कह रहा है वो. Dx 0 से x बराबर 4 plus 4t 0 से t. Dy is equal to 4t dt 0 से t. इक्वेशन निकालो, सॉल्व करो, इसमें से सॉल्व कर लीजिए पहले. x बराबर 4t plus 4t square by 2 या 2t square. और y is equal to 2t square. तो t is equal to y by 2 का अंडर रूट उठाओ, यहाँ पुट कर दो, आंसर ट्रेजिक्ट्री बन जाएगी. डी नन ऑफ दी आएगा, एट्स का भी लीनियर फंक्शन बन रहा है. चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 10. क्वेश्चन नंबर 10. A particle is falling freely under gravity. In first t second it covers distance x1 and in the next t second it covers distance x2. ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. एक पहले इसमें पहले t1 second में क्या है, ये t है, ये 2t है. कोई बात नहीं, आंसर ये होगा सेवेंथ का. रूट टू के ए क्यूब बाई थ्री एम आएगा आंसर. सॉल्व करो, देख लो, इसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है. देखो ना, ए बाई एम एक्स स्क्वायर बन रहा है. एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होता है, एक्स क्यूब. ये एक्स स्क्वायर दे रखता है सेवेंथ में, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन करोगे तो वो तो हमेशा एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा ना. थ्री का फैक्टर तो आना ही आना है, और कहीं भी थ्री का फैक्टर दे नहीं सकता. अब इसको क्वेश्चन को देखो, ये कितनी डिस्टेंस है, एक्स वन बराबर हाफ जी टी स्क्वायर और x2 बराबर किसके है, हाफ ऑफ g 2t का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. ये 1 है, ये 3 बाई 2 है. अब क्या पूछ रहा है, then t is given by, बटा करके निकाल लो क्या आ रहा है, दोनों में चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, उल्टा ये वाले x2 माइनस x1 वाले में चेक कर लो. This minus this, ये 3 GT square, AT square, दोनों घटा लो, फिर GT square बन जाएगा. उसके बाद जी सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से ये आ रहा है, ये 3 by 2 है, ये half है, तो 1 आ जाएगा. तो GT square बराबर X2 minus X1, तो T बराबर X2 minus X1 by G का अंडर रूट. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11. कंस्ट्रेंट है, इसको छोड़ दो अभी, ये अभी हमारे काम का नहीं. कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट आएगी नहीं, वो उसमें पढ़ेंगे मैकेनिक, उसमें लॉज ऑफ मोशन में, तभी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. 11. ट्वेल्व तो नहीं कुछ है ना, ट्वेल्व नहीं, 13. 13 भी ये डिस्टेंस ऑफ कोलिजन वाला क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कोलिजन वाला क्वेश्चन है. क्या होना चाहिए इनकी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन के लिए क्या होनी चाहिए, एक्स में अलांग आनी चाहिए. तो ये देखो, इसकी है यू, इधर हो गई यू कॉस 30, इधर हो गई यू साइन 30. इसकी 2u by 3 है. कोलिजन के लिए 2u by 3 sin theta और 2u by 3 cos theta. कौन सी velocities बराबर होनी चाहिए collision के लिए, ये velocities बराबर होनी चाहिए, तभी तो दोनों horizontally चलेंगे. relative velocity must be along x, तो इसका मतलब ये दोनों velocities क्या नहीं चाहिए, same. 2u by 3 sin theta बराबर u by 2, u से u कट गया, sin theta बराबर 3 by 4. इनवर्स 3 बाई 4 आंसर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ए कार इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, द मैक्सिमम वेलोसिटी द कार अटेन इज 24 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एंड द मैक्सिमम डिक्लेरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. इफ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 703 मीटर, द शॉर्टेस्ट
time of 56 seconds, the maximum acceleration of that car can be, a car can attain is. ये है क्वेश्चन, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये 4 है, ये 24 है, टोटल डिस्टेंस 1032 है। सॉल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है 4, द शॉर्टेस्ट टाइम इज ऑफ 56 सेकेंड इन द शॉर्टेस्ट टाइम। सब कुछ दे रखा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, तो कुछ ना कुछ स्पीड भी तो आएगी इसकी। हाँ, टाइम दे रखा है 56 सेकेंड, 56 24, बटे 2। हाँ, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, क्यों? इसका 56 × 24/2 का जो एरिया आ रहा है वो 1032 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए। तो इसका मतलब हो गया ये कुछ ये है, ये 4 है, ये 24 है, टोटल टाइम की वैल्यू 56 है और टोटल डिस्टेंस की वैल्यू 1032 है। अब इस ग्राफ में सारी वैल्यूज को चेक करके सॉल्व करके निकाल लो, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। 14 हो गया, 15 पे आ जाओ, ठीक है ना, ये कर लेना। 14 किसने पूछा था भाई, इसका भी डाउट है ध्यान से, ये 24 मैक्सिमम है, टोटल समय 56 है, वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 1032 है, ये स्लोप 4 है, तो ये सेकेंड कितना होगा, 4 × 24, ये कितना सेकेंड होगा, 6 सेकेंड। इसको टी मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 50 − t। अब सॉल्व करके t निकाल लो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर 1032। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये वही तो 15 इधर। क्वेश्चन नंबर 16, वही सेम क्वेश्चन ही है सिमिलर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने नहीं बताया, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, शॉर्टेस्ट टाइम वाला मैक्सिमम उसके लिए। तो चेक करना, या तो ये ग्राफ बनेगा या तो ये ग्राफ बनेगा, मेरे ख्याल से ये वाला बनना चाहिए। कार इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, द मैक्सिमम वेलोसिटी द कार कैन अटेन इज 24 m/s, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन एंड डिक्लेरेशन इज कैन अटेन 1 and 4, द शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ द कार टेक फ्रॉम द रेस्ट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 m इज रेस्ट टू रेस्ट, द शॉर्टेस्ट टाइम, ये ग्राफ बनेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 24 है, एरिया आएगा 200, ये टी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 एंड डीएक्सेलरेशन की वैल्यू 4, ये 4t है तो ये टी है, तो 5t × 24/2, तो सौ टी इज इक्वल टू 400/5 × 24, ठीक है, पुट करके निकाल लो, टी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरे वाले क्वेश्चन भी है, 16 में क्या कहता है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस इन द सेम प्लेन the same speed equal to 20 cm/s, the angle between the two lines is 60, the same plane with same speed equal to 20 degree, angle between the two lines 60 degree, and 60 degree पे दो लाइनें हैं, direction at O, ये 4 पे है, ये 3 पे, और ये दोनों, ये 20 cm/s से जा रहा है, ये भी 20 cm/s से जा रहा है। आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, ये 60 डिग्री है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। अब दो पॉइंट को लोकेट कर लो, इसको अच्छे से फिगर 1 को इस पे ले लो, ये 3 पे है,
ये 4 पे है, ये 60 डिग्री, 4 cos 30 becomes cos 60 becomes 2 यहाँ पे है, इस जगह पे ये पार्टिकल है। एक दोनों की वेलोसिटी दे रखी है 0.2 और 0.2। अब इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक, पूरा गेम है ए बी का। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो मेरे हिसाब से वो इधर जाएगा पहले और दिस माइनस दिस 120 डिग्री पे आ जाएगा और वो बिल्कुल बीचों बीच पास करेगा, ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो 0.2 से वी ए बी आ जाएगा। मैंने पहले ही सिखाया कैसे, अब आप ये निकालना आपका काम है, ये 0.2 से ये 0.2 से दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भी 0.2 आएगी क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री बन रहा है। तो अब ये पॉइंट यहाँ है और मेरे हिसाब से ये 60 हो गया और ये पॉइंट मिलाया गया, ये कितना था 4 था, 2 था, ये 1 था और ये 2√3 था, ये 1 है, ये 2√3 है, ये कितना होगा 2 × 4 = 12 = 230। तो दिस दिस एंड दिस ए बी 2√3 और ये अपनी लाइन से 120 डिग्री एंगल मेंटेन करते हुए जा रहा है, 120 ये 60 है, ये 30 है, 60 है, 60 कुछ यूं जा रहा है। बढ़िया प्रॉब्लम है पूरी ट्रिग्नोमेट्री की, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छे से फिगर बना के मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कल फिगर बनाना पड़ेगा। ये आ गई डिस्टेंस √30, एंगल देखना है कितना एंगल मेंटेन हो रहा है इस वर्टिकल के साथ, इसका एंगल है ये 60 30 30, तो वर्टिकल के साथ इसका एंगल है 30 डिग्री, इसको ले लो थीटा, ठीक, ये √13 डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी दे रखी है हमको, ये डिस्टेंस पूछ रहा ना, क्लोजेस्ट पूछ रहा हूँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, फिगर को देख लीजिए, ये √13 है, ये 30 डिग्री पे है, कैसे है एक बार सोचिएगा, फिर मैं कल एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस डिस्टेंस ले ली और इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पर, ये डिस्टेंस √13 है तो ये कितनी हो जाएगी sin थीटा की वैल्यू इस फिगर में मालूम है, ये कितनी है, ये वैल्यू है 1 2√3 13, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस √13 है तो हमको कुल मिलाकर के ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस मालूम है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू √13 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/√13 है, कॉस थीटा की वैल्यू 2/√3/30, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √13 √13 कट जाएगा, आंसर सिंपल फॉर्म में आएगा। सर हाँ बेटे, सर मेरा मोशन इन प्लेन में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर लूंगा कल, थोड़ा सुबह कल क्लास में आऊंगा शुरू में, एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, कल स्टार्टिंग में डिस्कस कर लूंगा एक बार। बाकी बच्चों कल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।